आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वास्तुशास्त्र के तहत बच्चों की स्टडी टेबल कौन से रूम में होनी चाहिए और बच्चों का पढ़ते वक्त मुंह कौन सी दिशा में होनी चाहिए और किताबें बच्चों को पढ़ते वक्त कौन से हाथ पर रखनी चाहिए। बहुत सारी गलतफहमियां हैं आज, उनको दूर करूंगा। जो बच्चे पढ़ते वक्त सिरदर्द का शिकार हो जाते हैं, जिनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, जिनको चश्मा लग जाता है, आज वो भ्रांति भी दूर करूँगा। जिन बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं होती स्टडी टेबल पर, वो उठ करके बेड पे आ जाते हैं या बालकोनी में पढ़ते हैं या ज़मीन पे बैठ के नीचे पढ़ना शुरू कर देते हैं, स्टडी टेबल को छोड़ देते हैं। आज स्टडी टेबल के मामले में जानकारी और स्टडी टेबल का कलर वो कौन सा होना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जितने भी वास्तु बजट में घरों में जाता हूँ मैं बोल देता हूँ ये जो स्टडी टेबल है आपकी इस पे आपका बच्चा पढ़ता नहीं होगा। बोलते हैं हाँ गुरुजी आप बिल्कुल ठीक करें, बच्चा पढ़ता नहीं है और सब कुछ आता है, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज हम इसी विषय को ले रहे हैं। आपको बता देता हूँ कि स्टडी टेबल पहली बात कहाँ होनी चाहिए। बहुत सारे लोग दीवार के साथ डेड दीवार पर स्टडी टेबल बना देते हैं, वो बहुत गलत है। कोई भी बच्चा वहाँ पढ़ नहीं पाएगा और अगर पढ़ेगा भी तो घंटे दो घंटे पढ़ने के बाद उसको सिरदर्द हो जाएगा, उठ करके वो बेड पे चला जाएगा। पहले इसके वैज्ञानिक आधार को समझाऊंगा और फिर आप अपने आप को ठीक कर सकते। आप समझिए कि आपने दीवार के साथ में स्टडी टेबल लगा दी, स्टडी टेबल पर बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे उसका ध्यान है पढ़ाई पर, पढ़ते पढ़ते जब आंखें दर्द करती हैं तो हम आंखों को ऐसे करते हैं सामने, जब सामने करते हैं तो बिल्कुल 1.5 फीट की दूरी पर दीवार होती है और जो लकड़ी का बोर्ड सामने टेबल में होता है वो बोर्ड होता है, दोनों ही कुचालक हैं, नॉन कंडक्टर हैं। हमारी आंखों से जो रोशनी निकलती है, जो रेडिएशन जाती है, वो उधर टकराती है और वापस हमारे पास आती है, हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। फिर हम अपनी गर्दन को ऐसे करते हैं और ऐसे जमाई लेते हैं या ऐसे करते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि आंख जब काम करती हैं तो उनको रिलीफ के लिए अंतरिक्ष में जाना पड़ता है, लंबी दूरी तक वो जाती हैं उनकी तरंगें और फिर ऊर्जा लेकर के अंदर आती है, पॉजिटिव ऊर्जा लेके आती है। लेकिन जब 1.5 फीट के ऊपर या 2 फीट के ऊपर ही अगर सामने दीवार है डेड, तो आंखों पे जोर पड़ता है, वापस वो रिफ्लेक्ट होकर के सिरदर्द करना शुरू कर देती है। बच्चा उठता है वहां से और बेड पे जाकर के 10 फीट दूर जाकर के बैठ जाता है। इसलिए कभी भी स्टडी टेबल दीवार के साथ सटा के नहीं रखनी चाहिए। अगर दीवार के साथ सटा के टेबल रखते हैं तो टेबल के सामने ऊपर जो रैक होता है उसको हटा देना चाहिए, सिंपल टेबल होनी चाहिए। उसके अलावा दीवार के सामने, दीवार जहां पर आप पढ़ रहे हैं, टेबल के सामने जो दीवार है, दीवार के अंदर विंडो होनी चाहिए और वो विंडो कनेक्ट टू एयर, कनेक्ट टू अंतरिक्ष होनी चाहिए। अगर उसके साथ वो कनेक्ट है तो फिर आंखों को जोर नहीं पड़ेगा, आंखों की रोशनी अंतरिक्ष में चली जाएगी और वापस रिलीफ लेकर के आ जाएगी। दो तरीके। दूसरी चीज, आपको टेबल को इस प्रकार से लगाना चाहिए बच्चों को पढ़ाते वक्त कि जो कुर्सी है वो कुर्सी दीवार के साथ लग जाए, हमारी जो पीठ है उसको दीवार का सहारा मिल जाए, कुर्सी का सहारा मिल जाए, पीठ भारी हो जाए हमारी और फिर जब हम पढ़ रहे हों और पढ़ते पढ़ते ऐसे आंखें करें तो कम से कम 10 से 12 फीट गैप हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, तो हमें बहुत बड़ा रिलीफ आ जाता है और वो बच्चा पूरी रात पढ़ सकता है, पूरा दिन पढ़ सकता है। और ये नियम हर कंप्यूटर पर काम करने वाले लोगों के साथ होता है, कॉल सेंटर में करने वाले लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं, पेट खराब हो जाता है, टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कॉल सेंटर में 2 महीने करने के बाद आदमी बीमार होना शुरू हो जाता है, क्यों? उनके कंप्यूटर के सामने डेड दीवार होती है, कंप्यूटर होता है और फिर वो बीमार होना शुरू होते हैं, मोटे मोटे चश्मे लगने शुरू हो जाते हैं। यही
फैक्ट्री के अंदर काम करने वाली जो लेबर होती है उनकी जो मशीनें दीवार के साथ लगी होती हैं वो लीवर कभी नहीं रुकती है, वो लेबर भाग जाती है, वहाँ प्रोडक्शन नहीं होती, वो बीमार होते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते। तो हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जब जाते हैं तो वहाँ इंस्टॉलेशंस कराते हैं मशीनों की, तो हम लेबर जो काम कर रही होती है मशीन पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे वो उस प्रकार से उसको इंस्टॉल कराते हैं। जो एक्सपोर्ट फैक्ट्री सिलाई मशीन्स होती हैं उनमें भी ये कई बार प्रॉब्लम्स होती है, दीवार के साथ साथ आप लगा देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, बच्चा जब पढ़ रहा हो तो उसकी टेबल को इस प्रकार से लगाना चाहिए कि ना कि फिल्म स्टाइल के अंदर, फिल्मों के अंदर जो स्टडी टेबल लगाते हैं उस पर कभी बच्चा नहीं पढ़ सकता, फिल्म वालों के बच्चे भी नहीं पढ़ सकते, जो फिल्म स्टार दिखाते हैं बंगलो उनमें भी उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते, वो भी जाके बेड पे पढ़ेंगे, ड्राइंग रूम में पढ़ेंगे, सोफे पर पढ़ते हैं, क्योंकि शरीर जो है वो आराम देखता है, इंद्रियां आराम देखती हैं। इसलिए अगर आपकी टेबल इस प्रकार की है, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी तैयारी कर रहे हैं और आपका पढ़ने में दिन नहीं लगता उस टेबल पे, तो आपको हट जाना चाहिए, उस टेबल को पीछे कर दीजिए, दीवार के साथ लगाइए। पढ़ते वक्त आपकी आंखों के सामने कम से कम 10 से 15 फीट का अगर गैप रहेगा, जैसे मैं अभी आपके सामने स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, मेरे पीछे यहाँ पर स्टूडियो की दीवार है और मेरे सामने 18 से 20 फीट गैप है, तो मैं बहुत समय तक बोल सकता हूँ, मुझे कोई जोर नहीं पड़ेगा। इन सब का वैज्ञानिक आधार है, पढ़ाई लिखाई के लिए ये मस्ट है। और सामने सफ़ेद रंग होना चाहिए या क्रीम रंग का कलर आपकी दीवार पर होना चाहिए जिससे आंखों को जोर ना पड़े। कोई भी अगर आप कलर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा डार्क ब्लू है, कालापन है या रेडिश कलर्स है, ये कलर्स आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूँगा कि जो बच्चे आपके पढ़ने वाले हैं होना रहे उनके सामने विंडो खोल करके विंडो के सामने टेबल लगाएं, अगर आपके रूम में इतनी जगह नहीं है तो, या आप जो वेस्ट की दीवार होती है उस दीवार पर कुर्सी लगाएं और ईस्ट को फेस करके पढ़ें, या साउथ की दीवार पर आप कुर्सी रखें और आपका फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, तो आपके बच्चे की कंसंट्रेशन बहुत पावरफुल रह सकती है और उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।